हाँ भाई, सादत भाई, बोलो भाई। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी जी भाई, मैं अस्सलाम वालेकुम कह रहा हूँ, कुछ नहीं होता, कह लेकिन दें आप, हाँ, लेकिन वो मसला ये है कि मेरे पास वो भी आदत पड़ी हुई है। डीवीडी थी। या आपने वो ड्रामा देखा ब्लैक क्रो? नहीं, इट्स वो उसके बारे में, आइसिस के बारे में। अच्छा और उन्होंने ये कहते हैं, वैसे तो उन्होंने ये ट्राई किया है कि वो इस्लाम को जस्टिफाई कर सके, लेकिन एक जगह पे वो आखिरी किस्त थी उस पे वो बिल्कुल ठीक बात कहती है। वो कहती है औरत जो होती है ना, वो लड़ने के लिए जा रही होती है आइसिस की तरफ से, तो वो अपने बच्चे को छोड़ के जा रही होती है, तो वो अपने बाप को कहती है कि इस्लाम के लिए क्या मैं अपने बच्चे को दूध पिलाना नहीं बंद कर सकती है, तो क्या इस्लाम में पहले नहीं हुआ ये? तो वो कहता नहीं, लाइक वो जस्टिफिकेशन अपनी तरफ से देता है, लेकिन वो जस्टिफिकेशन इतनी उसकी, वो जो बंदी थी उसकी, वो ये बात इतनी वो थी कि कहते हैं स्ट्रॉन्ग, कि वो उसने भी कहते हैं उसने रियलिटी में बताया कि ये रियलिटी में इस्लाम में पहले होता था जो आइसिस कर रही है, और इसकी क्या कहते हैं इसकी कहते हैं इसके डिनायल कहीं से भी नहीं है कि कहते हैं कोई जो डिनायल नहीं है, इसलिए अभी इतने एजुकेटेड हो गए हैं कि ये आके मानते हैं कि है, लेकिन उसको जस्टिफाई करते हैं। ये इनकी बेगैरती का आलम है जो कहते हैं कि उस जमाने में ऐसे होता था, उस जमाने में ऐसे होता था। तो भाई तुम में और उनमें क्या फर्क है? यानी ऐसी फटी हुई लॉजिक देंगे ये, इतने इतने बदतर हैं ये लोग। इसलिए हम कहते हैं इंसान को मजहब जानवर बनाता है, और इस्लाम स्पेशली इनको जानवर बना देता है। इनको औरतों को लौंडियां बनाना, उनके उनके रेप करना, इनको इसमें कोई बुरी बात नहीं नजर आती, जबरदस्ती होगा। जिसकी सफिया के शोहर को और बाप को मारा और उसको 3 दिन बाद उसके साथ हमबिस्तरी कर दी, तो क्या वो बड़ी हंसी खुशी कहेगी मोहम्मद साहब बहुत शुक्रिया आपका? वो जवेरिया की कहानी है, जब जवेरिया ने उसके साथ हमबिस्तरी रसूल अल्लाह ने की, तो एक बंदा उसके खैमे के बाहर बैठा हुआ था, उसने कहा था अभी आपने इसके शोहर को और बाप को कत्ल किया, मैं समझा कि ये रात को आपकी गर्दन ना उड़ा दे। तो रसूल अल्लाह ने आगे से मुस्कुरा के कहा हाँ अच्छा किया तुम खड़े हुए थे खैमे के बाहर। वो दांत टूटे हुए थे रसूल अल्लाह, कितने बुरे लग रहे होंगे उस इसी पे भी वक्त। एक लॉजिक थी, वो उसने अप्लाई की हुई थी उसी ड्रामे के अंदर। वो यजीदी लड़कियों का आपको पता ही होगा जो किस्सा है उनका, तो दाइश के वो दाइश का, तो वो जो दामाद होता है असल में, वो डॉक्टर जो होता है, उसकी बेटी भागी होती है घर से, तो घर से भागी होती है, तो वो उसने एक बंदे से शादी की होती है, तो वो जो दामाद होता है, तो डॉक्टर उसे वापस लेने आता है बेसिकली, तो वो जो उसका जो दामाद होता है वो बेसिकली यजीदी लड़की को वो क्या कहते हैं उसके साथ जो भी है रेप रेप करता। कर रहा होता है, वो 12-13 साल की लड़की होती है। अब तो वो अपनी बेटी को बताता है, तो वो कहती है ये तो इस्लाम के मुताबिक है, शरीयत के मुताबिक, तो उधर वो कुछ कुछ बोल नहीं पाता। और ये ड्रामे के अंदर क्लियरली दिखाया हुआ है, तो मैं हैरान था, मैं कहा ये बातें जो कह रही, उस वक्त मैं थोड़ा सा प्रो इस्लामिक था, तो मैं ये कह रहा यार ये जो बातें कह रही है ये गलत नहीं कह रही, क्योंकि ये है रियलिटी में, और अब तक हम डिनायल में थे कि एक वो नहीं पता अनकॉन्शियस डिनायल कि यार वो था उस जमाने में, स्लेवरी का जमाना गुजर गया, लेकिन अब लेकिन फिर बाद में सोचा कि नहीं यार ये स्लेवरी का जमाना वो गुजरा नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कुरान क्लेम्स के हम आखिर तक की किताब है, तो अब आइसिस बिल्कुल ठीक कह रही है कि वो अगर ये आखिर तक की किताब है, तो ये जो उनके हिसाब से, तो वो फिर वो स्लेवरी को मानते हैं, दे आर फाइन विद इट। बगदादी का बड़ा ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट था ये, मैंने कहीं पे पढ़ा था, मुझे मैं सोचा था इसको फैक्ट चेक करूं, लेकिन उसकी लॉजिक यही है कि भाई अगर मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया लौंडी रखने का, तो यूएनओ कौन होती है? और बात सही है, बिल्कुल ठीक है जब एक आपने, मुकम्मल किताब है, आखिरी किताब है, जब अल्लाह ने एक चीज़ हलाल कर दिया तो कैसे हराम हो सकती है? हलाल है ये चीज़। इस तरह तो आजकल के ज़माने में 4 शादियों का रिवाज नहीं है, तो खत्म कर दो 4 शादियां फिर। जिस तरह लौंडियां खत्म हो गई तो 4 शादियां भी हराम कर दो। नहीं, वो मजे वाला काम है, ये लॉजिक ही नहीं है। फिर 4 शादियां खत्म कर दो, ये भी मेरे जहन में पॉइंट आया। तो ऐसी बोंगियां मारी जाएंगे, ठपा ठप किया जाएंगे बस ऐसे। इस्लाम इंसान को जानवर बनाता। चले और भी बात करनी हो। हाँ एक और चीज़ जो मैं वैसे नॉर्मली कर रहा था, कि एक एक्सप्लोरेशन वैसे ही ना मोस्टली मज़हब्स की कर रहा था, क्योंकि एक मुझे आदत है, मैंने एक बात बहुत नोटिस की है, वो ये है कि हर मज़हब अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है। बार्बरिज्म कहीं ना कहीं मज़हबों के अंदर है, और वो हर मज़हब अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है कि जिस दिन उनकी हुकूमत लगेगी वो भी बड़े बार्बरिक, उनका भी चेहरा नज़र आएगा सामने। तो ये काफी कॉमन फैक्टर है हर रिलीजन के अंदर जो मैंने देखा है।
थैंक यू सर। हारिस, आपको समझ नहीं आती कि दुनिया में 1.6 अरब मुसलमान हैं और मेजॉरिटी उनकी पीसफुल है। तो हज़रत मोहम्मद ने जो बंदे मारे वो असल इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं करते। महल ये तंजिया कमेंट है, बात तो सही है। वो पॉस्टेड प्रॉफिट कहता है, दिस हैज नथिंग टू डू विद इस्लाम, ही हैज नथिंग टू डू विद इस्लाम, नथिंग हैज नथिंग टू डू विद इस्लाम, इवन इस्लाम हैज नथिंग टू डू विद इस्लाम। ऐसे ही है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। इसको छलांगे मारेंगे बेचारे, और क्या करेंगे, बस बेड़े घर कुएं में इनके। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।